सभी बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूँ और भारत की आजादी के अमृत महोत्सव की मैं शुभकामनाएं देता हूँ भगत सिंह युवा सेना तिरंगा बाइक रैली की ओर से। बाइक रैली मैं नैना जायसवाल से विनती करता हूं वो संबोधित करेंगे आज की सभा। मैं बार बार विनती कर रहा हूं हमारे भाइयों वो आने जाने वाले को दिक्कत हो रही थोड़ा साइड में हो जाए पूरे हैदराबाद में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए फिर एक बार भारत बाइक रैली में आके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं लालू पहलवान जी लड्डू पहलवान जी और मुकुल राय जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए आज इस शुभ अवसर पे। मैं ये कहती हूँ कि हर हिंदुस्तानी एक नेक देव और दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं और गर्व से कहते हैं कि मेरा भारत महान है और हम हिंदुस्तानी ये मानते हैं कि दिल हमारे एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी जान। जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे बर्बाद, इसलिए कहते हैं मेरा भारत महान। और मैं ये कहती हूँ कि कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह क्योंकि ये नशा तो हिंदुस्तान की शान का है। और आप सबसे मैं ये कहती हूँ कि इस तिरंगा बाइक रैली की एक खास खूबी है कि यहाँ पे लोग दिन बुनाए आते हैं क्योंकि यहाँ पर स्वागत में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। और मैं ये भी कहती हूँ कि जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसके साथ जोश के साथ होश भी है, जो बातों में बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है, वही इस भगत सिंह युवा सेना का युवा है, ऐसा मैं मानती हूँ। और सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरे दादाजी स्वर्गीय अशोक कुमार जायसवाल जो एक सैनिक थे और उन्होंने चीन और पाकिस्तान के युद्ध में भाग लिया था और वो हमेशा कहते थे कि मैं भारत माता का अमित सम्मान करता हूँ और यहाँ के चांदनी मिट्टी का गुण गाता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। तो ऐसे दादाजी के उच्च विचार धारा रखने वाली दादाजी